हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मां संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे बायोलॉजी के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 101 नंबर का, इसके पहले करवा चुके हैं। इसमें यह पूछा गया है, वायरस को सजीव कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये संख्या में बढ़ते रहते हैं इसलिए कहा जाता है। वायरस सजीव होते हैं, यानी सजीव का मतलब जिनमें जीवन होता है वही तो बढ़ेंगे, यानी जिनमें जीवन नहीं होता वो नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ये इन्हें सजीव, ये सजीव होते हैं इसलिए ये संख्या में बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक तिलहन है? तिलहन है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक राई क्या है, एक तिलहन है। राई क्या है, एक तिलहन है। अगला क्वेश्चन है, वायरस रोग होता है तो वायरस जनित रोग कौन सा इसमें है ये पूछा जा रहा है। तो इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो इन्फ्लुएंजा होता है वो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, और मिनो वायरस द्वारा होता है। कैसे होता है, मिनो वायरस द्वारा होता है। इस रोग के रोगी को क्या हो जाता है, टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए दोस्तों, किसमें, जब इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला डिफ्थीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया नामक एक बैक्टीरिया से होता है, जो डिफ्थीरिया होता है ये कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, और इसमें क्या किया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है डिफ्थीरिया परटूसिस एंड टिटनस कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। टाइफाइड के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहा जाता है, और इसके दोस्तों उपचार के लिए क्या दिया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक का दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हैजा की बात कर लेते हैं, ये कैसे होता है, तो विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया होता है उससे होता है, और ये किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें क्या रोग क्या हो जाता है, उल्टी और दस्त आने लगती हैं, टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए, इसके ये यानी उपाय माने जाते हैं, कहे जाते हैं। अगला है, पूछा जा रहा है वायरस होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, अकोश की, बहुकोश की और स्वतंत्र दिन, जो इसका आंसर हो जाएगा अकोशिकीय होते हैं, जो वायरस होते हैं अकोशिकीय होते हैं, असेलुलर होते हैं। अब जैसे बात करते हैं, जैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का होता है उन्हें एक कोशिकी कहा जाता है, सिंपल सा, जैसे कौन से, अमीबा हुआ, यूक्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ इत्यादि। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं जैसे, और बहुकोशिकी कौन होते हैं, जिनमें ज़्यादा कोशिकाएँ होती हैं, कई सारी कोशिकाएँ होती हैं, तो जैसे एग्जाम्पल हुआ मछली हुआ, मेढक हुआ, कुत्ता, मनुष्य, सभी बहुकोशिकी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक के लेखक कौन है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। कौन, डार्विन, जिन्होंने कब लिखा था, 1859 में इनकी प्रकाशन ये प्रकाशित हुई थी बुक। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एड्स का कारण क्या होता है, एड्स जो होता है इसका कारण क्या होता है, रुधिर कैंसर, बैक्टीरिया, TMV और THTLV3, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका जो मेन होता है तो HTLV30 होता है, और ये वायरस होता है, वायरस से होता है, HIV जो होता है वायरस से होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो जो टिश्यू के वृद्धि के कारण कैंसर होता है, और शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, जब WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। और बैक्टीरिया द्वारा मनुष्यों पौधों में रोग उत्पन्न होता है, क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं।
और डिजीज होती क्या है, अगर देखा जाए तो किसी अंग या तंत्र को में सामान्य कार्य ना हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, रोग या डिजीज़ कहते हैं। मान नॉर्मली अगर कोई अंग या तंत्र काम नहीं कर रहा है तो उसे ही डिजीज़ कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। गोएस्टर रोग या थायराइड ग्रंथ की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, गोएस्टर क्या होता है, ये एक आयो ये घेंघा रोग होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से गोएस्टर नामक रोग होता है और थायराइड ग्रंथ की अस्वाभाविक वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है एक तरीके का विषाणु पर भक्षण करता है, क्या होता है, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, यानी ट्रू जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। बैक्टीरिया जो होता है उसमें ट्रू जो केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा इसमें देख लेते हैं, क्या होता है कि ये दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है उसे क्या कहा जाता है, सहोपकारिता कहा जाता है। और लाइकेन से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 110, उपापचयी एंजाइम में अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछा जा रहा है। तो जो उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं वो वायरस में जो विषाणु होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरियोफेज में होता है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, केवल प्रोटीन्स होती हैं, केवल कार्बन और नाइट्रोजन होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें केवल डीएनए ही होता है, यानी डबल यानी द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है बैक्टीरियोफेज का। प्रथम विषाणु की खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है इवानोवस्की ने की थी। कब की थी, 1892 में की थी। किस में की थी, तो तंबाकू के पौधे से किया था। टीएमबी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में इवानोवस्की ने ही बताया था। विषाणुओं में क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, विषाणु को वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है ये भी पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जो होता है सबसे बड़ा विषाणु होता है और ये दोस्तों क्या होता है, वायरसेला विषाणु के द्वारा होता है। कैसे होता है, अब देख लेते हैं चिकन पॉक्स क्या होती है, यानी छोटी माता क्या होती है, ये वायरसेला विषाणु के कारण होता है। और ये क्या इसमें हो क्या जाता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, हल्का बुखार आ जाता है, एक एक व्यक्ति को एक बार यदि यह रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता है, क्योंकि शरीर में इस रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ये होता है इसका सिंपल। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ये कैसे होता है, तो ये वेरियोला नामक एक वायरस होता है उसके कारण शुरू होता है। इसमें क्या होता है, तेज़ी से बुखार आ जाता है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं और 3 से 6 महीने के अंदर टीका लगवाना ज़रूरी होता है बच्चे को। अब हर्पीज क्या होता है ये भी जान लेते हैं, तो हर्पीज वायरस द्वारा होता है, यह त्वचा रोग होता है। बिल्कुल कैसा होता है दोस्तों, त्वचा रोग होता है और इसमें जो क्या हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाती है। एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था, ओपायरिन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। किसने लिखा था, ओपायरिन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था, तो एआई ओपायरिन भी कहा जाता है, लिखा था। इन्होंने जीवन के उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया है। इसमें कब लिखी थी, 1936 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था, सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था, तो ये हो जाएगा एनएरोबिक। सबसे पहले श्वसन का उत्पत्ति हुआ उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, इस यानी जो ये
ये श्वसन था, इसमें क्या था कि एनएरोबिक जो श्वसन था उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, सबसे पहले इसी का श्वसन विकसित हुआ था। और एरोबिक श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विषाणु होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे होते हैं, तो पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण मृतजीवी, आंशिक परजीवी, आंशिक मृतजीवी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, थोड़ा बात करते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे पे आश्रित होते हैं, यानी खुद नहीं बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जोंक हुआ, जू हुआ, जू का मतलब जुआ, जो नहीं होता है बालों में हो जाता है शर में, विषाणु होता है, अमरतली होता है, इत्यादि ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। और वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं, यानी मृतजीवी कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे फंगाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, मृतोपजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, गोरिल्ला। गोरिल्ला क्या है, एक मनुष्य का निकट संबंधी है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ और टिड्डे कबूतर के पंख होते हैं, कैसे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जो चमगादड़ हुआ, टिड्डे हुए, और कबूतर जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो पंख होते हैं उनके समरूपता पाई जाती है। ठीक है, समरूपता क्या होती है, यानी जिनके फंक्शनल कार्य सेम होते हैं वो समरूप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, दोस्तों क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं उन्हीं ही सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, और एपीफाइट क्या होते हैं, एपीफाइट का मतलब ये होता है जो पोषी पौधा पर रहता है, यानी क्या होता है, पोषी पौधा पर रहता है, उष्णकटिबंधीय पौधे क्षेत्र का पौधा होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो आर्किड का जो बीज होता है सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों का युग कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोइक महाकल्प। क्या था, मीसोजोइक महाकल्प। इसमें क्या हुआ था, महाकल्प के ट्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मीसोजोइक महाकल्प को कहा जाता है, सरीसृपों का युग कहा जाता है। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं, तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट पाचन हो जाता है अंतिम उत्पाद उसका क्या होता है, सिंपल सा, तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाता है, जो वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो सहायक होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में दोस्तों क्या होता है, अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन्स का शरीर में स्टोर होता है, संचरण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है, तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड निकलता है दोस्तों, और इसमें देखा जाए तो छिपकली, सांप, ओस्ट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि यूरोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं। जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं वो यूरोटेलिक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं, तो उसे यूरिकोटेलिक कहलाता है, स्तनधारी। अगला देख लेते हैं, और वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालते हैं, तो वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। जैसे अमीबा हुआ, हाइड्रा हुआ, मछली हुआ, जलीय जीव जो होते हैं वो सभी ऐसे होते हैं।
आगे देख लेते हैं, सभी कीट होते हैं कैसे होते हैं, तो यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। अभी ऊपर पढ़ रहे थे, रमों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यूरिएज को तैयार किया गया था, तैयार किया गया। लाइपेज क्या होता है दोस्तों? ये लाइपेज फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसराल को ग्लिसराल में परिवर्तित करते हैं। किसमें? फैटी एसिड एवं ग्लिसराल में परिवर्तित करते हैं, लाइपेज एंजाइम जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन की इकाई कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन की जो इकाई होती है वो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्सर्जन की इकाई होती है नेफ्रॉन, एक्सॉन और नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, उक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन होती है। किडनी क्या है? नेफ्रॉन है, उत्सर्जक इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और एक्सॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। वृक्क की खराबी यानी किडनी अगर खराब हो जाती है, खराब के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूरेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है? अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। पक्षी होते हैं कैसे होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो पक्षी जो मुख्यतः होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जैसे छिपकली, सांप, पक्षी ये होते हैं। अभी पीछे पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है कैसे? कैसे बनती है? इसका मेन रीज़न यही होता है, वृक्क के जो होता है पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है। कैसे बनती है? जो ऑक्सलेट, अगर ऑक्सलेट नामक एसिड अगर अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? पथरी बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड में क्या हो जाता है? तो ब्लड की जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। कहाँ पे? ऊंचाई पे, ऊंचाइयों पे, अगर कोई पहाड़ या माउंटेन पे ये होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है दोस्तों? क्या पूछा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? ब्लड नहीं पाया जाता है, श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है कैसे होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, और अगला ऑप्शन देख लेते हैं किसके द्वारा होता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा दोस्तों क्या होता है? श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक क्रिया ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो इस क्या होता है दोस्तों? मेडुला से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मेडुला से प्रारंभ होता है। चलिए दोस्तों, तो आप सेरिब्रम के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है? सबसे विकसित भाग माना जाता है, जो मस्तिष्क का, और यहाँ बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान एवं वाणी एवं चिंतन का केंद्र इसे ही माना जाता है। किसे? सेरिब्रम को कहा जाता है। मेडुला अब्लांगेटा के बारे में, यह क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसमें क्या होता है? उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण एवं मनाच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र होता है। यही कौन सा? मेडुला ऑब्लॉगेटा। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो ये दोस्तों एक प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और क्या करता है? मस्तिष्क में आने वाले सभी उद्दीपनों का संवहन करता है, ये करता है स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य जो होता है एक मिनट में सांस लेता है, कितनी सांसें लेता है? तो देखा जाए 14 से 18 बार सांसें लेता है। जो एक मिनट में जो सामान्य मनुष्य होता है वो एक मिनट में 12 से 14 से 18 बार सांसें लेता है।
अगला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑब्लॉगेटा द्वारा होता है श्वसन क्रिया का नियंत्रण, होता है श्वसन क्रिया का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ये सेरिबेलम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। सेरिबेलम क्या होता है, ये शरीर का अगर संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बना आवश्यक क्रिया पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, यही कौन सा, सेरिबेलम। अब देखते हैं 138 वाला क्वेश्चन, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है, कैसे श्वसन करता है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों नम त्वचा द्वारा करता है, कैसे, नम त्वचा द्वारा करता है। मेंढक जब पानी में रहता है तब वो बाह्य गिल्स से श्वसन करता है, कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाह्य गिल्स से करता है। मेंढक जब जमीन पर रहता है तब फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, यानी दोनों तरीके से करता है, यानी जमीन पे भी श्वसन कर लेता है और जल में भी कर लेता है। जमीन में कैसे करता है, फेफड़ों द्वारा करता है, और ऊपर अगर जल में रहता है तो गिल्स जो उसमें पाई जाती है उनके द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ओटू की कितनी मात्रा होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो निश्वासित वायु में ओटू की मात्रा जो होती है 16% होती है। मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है लेकिन निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसकी उपस्थिति, सोडियम की उपस्थिति के कारण कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, कैसे होता है, जो पूछा जा रहा है नेत्र में जो लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिस जो होती है, आयरिस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कॉर्निया क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं, जो प्रकाश होता है आँखों तक जो प्रकाश पहुँचता है वो कॉर्निया से ही होकर जाता है, कॉर्निया को ही प्रकाश द्वार कहा जाता है, नेत्रदान में इसे ही दान दिया जाता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है, तो भी पढ़ रहे थे दोस्तों, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है दोस्तों, भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा यानी लव हेट पसीना खुशी गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं फिर उसके बाद अगले सेशन में बात करेंगे। पूछा जा रहा है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, कौन सी होती है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, अगर ये पूछा जा रहा तो इसका जो सेरिब्रम होता है ये प्रभावित जब हो जाता है यानी प्रमस्तिष्क, तब क्या हो जाता है, वो अपनी मेमोरी को लॉस कर बैठता है यानी खो बैठता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, कहाँ पे होती है, ये पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र तो होता है पर क्या होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। हाइड्रा में भी ब्लड नहीं पाया जाता है परंतु श्वसन होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो होता है सबसे अधिक यानी जंतुओं के अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे पीयूष ग्रंथ थे तो सबको पता होगा इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सबसे छोटी ग्रंथ भी होती है, कौन सी, पीयूष ग्रंथ होती है, मानव मस्तिष्क में यह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।